आज हम रिव्यू करने वाले हैं दी बेस्ट होम जिम बिल्ड्स इन इंडिया एंड ये आप ही लोगों का बनाया हुआ है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आपका भी होम जिम रिव्यू करूं, देन मेक श्योर टू डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम विथ योर होम जिम बिल्ड्स एंड मैं ऐसे ही आपका होम जिम भी इन द फ्यूचर वीडियोज़ रिव्यू करने वाला हूँ। तो आवर फर्स्ट होम जिम इज़ गोइंग टू बी फ्रॉम अ गाय नेम्ड अनूप। इन्होंने रिसेंटली आपका होम जिम बनाया है एंड दिस इज़ हाउ इज़ होम जिम लुक। सो पहले आप देख सकते हैं दिस इज द न्यू सीज मैमथ रैक एंड व्हेन आई जस्ट लुक्ड एट दिस रैक हियर आई वाज सो इम्प्रेस्ड हियर। इट लुक्स सो गुड एस्पेशली विद द रेड एंड ब्लैक कलर विच यू नो मेरे जिम का भी थीम रेड ब्लैक और ग्रे है। सो आई एस्पेशली लव दिस रैक वेरी वेरी मच। यहाँ पे आप देख सकते हैं विद दिस रैक आपको यहाँ पे बॉक्स सेफ्टीज मिलते हैं इंस्टेड ऑफ पिन एंड पाइप सेफ्टीज नॉर्मल। तो दीज बॉक्स सेफ्टीज आर मच बेटर एस्पेशली आपके बारबेल के नर्लिंग को प्रिजर्व करने के लिए। पिन एंड पाइप जो सेफ्टीज होते हैं दे आर नॉट रियली गुड बट बॉक्स सेफ्टीज आर रियली रियली गुड। इस पुल अप बार के साथ आपको एक एडिशनल मल्टी ग्रिप पुल अप बार भी मिलता है विच यू कैन सी राइट ओवर हियर। इसमें आप बोथ एक न्यू एक नॉर्मल और एक मल्टी ग्रिप पुल अप बार दोनों ही लगा सकते हैं। दिस इज़ दी बेंच दैट अनूप हैज़ एंड दिस बेंच मैंने उनसे बात किया था ही सेट कि ये उन्होंने लोकली बनवाया है एक लोकल बैंगलोर से ख़रीदा है बट दिस बेंच एक्चुअली लुक्स प्रिटी गुड आई वुड से यू नो। ये जो सीट का कुशनिंग है इट लुक्स एक्चुअली वेरी वेरी गुड। बेंच में दी बिगेस्ट कॉन दैट आई कैन सी इज दैट ज़्यादा इंक्लाइन की एंगल्स नहीं है एंड व्हेन आई स्पोक टू अनूप ही सेट कि ही यूजेस दिस बेंच प्राइमरली एज अ फ्लैट बेंच इट डजेंट रियली नीड ऑल दी अदर एंगल्स एंड एज वेल एज यू कैन सी राइट ओवर हियर कि यहाँ पे बेंच का गैप भी काफी कम है विच आई थिंक इज अ वेरी वेरी क्रूशियल थिंग स्पेशली इन फ्लैट बेंचिंग यू नो। ओवरऑल दिस बेंच आई रियली लाइक इट बट ये इन्होंने लोकल खरीदा तो आप ऑनलाइन नहीं खरीद सकते। एंड द लास्ट पीस ऑफ इज जिम इक्विपमेंट इज टू बारबेल्स। ये जो एक और बारबेल है आई थिंक दिस इज अ बेसिक अमेजोन बारबेल बट ये जो ब्लैक वाला बारबेल है दिस इज द सीज पावर लिफ्टिंग बारबेल द एग्जैक्ट सेम बारबेल जो मेरे यहाँ पे है। मेरा एक पुराना वर्जन है ठीक है दिस इज अ ब्लैक ऑक्साइड कोटिंग वाला वर्जन बट अनूप का नया वर्जन है दिस इज अ ब्लैक जिंक कोटिंग का वर्जन। तो ये जो आप देख रहे हैं ये रस्ट वगैरह ये अनूप के बारबेल पे आप नहीं देख सकते बिकॉज ब्लैक जिंक इजीली रस्ट नहीं होता है। वाइट वाइट स्पॉट्स देख पा रहे हैं दिस इज बेसिकली चॉक बिकॉज ही इज हार्डकोर डेड लिफ्टर सो ही यूजेस चॉक एंड अलॉन्ग विद इट आई नोटिस्ड अ वेरी गुड थिंग कि अनूप यूजेस अ वर्टिकल बारबेल स्टोरेज। यहाँ पे यू कैन सी सम स्प्रिंग कॉलर्स and some aluminium collars. I think these are the Bulldog aluminium collars because Bulldog के अलावा कोई aluminium collars इंडिया में sell ही नहीं करता। So overall this was his total home gym and it's a pretty good home gym you know. He basically follows starting strength workout program. तो उसके लिए this home gym is amazing यार। So our next home gym is from a guy named Gulab. वो मेरे इधर ही रहता है कोलकाता में and this is how his home gym looks. At first you can see the rack which is the Siege Gladiator rack. इसका मैंने review किया था and in my opinion this is the best budget power rack in India. I don't think कोई और power rack इसके साथ compete कर पाएगा। इसका price है around 26,000. The second thing that you see is the Siege adjustable bench. ये in my opinion again is the best adjustable bench in India. कोई और बेंच इससे कम्पीट नहीं कर सकता। इवन मोर एक्सपेंसिव बेंचेस इस बेंच का प्राइस अराउंड 18,500 विद GST। तो इवन मोर एक्सपेंसिव बेंचेस कैन नॉट कम्पीट विद दिस बेंच इन माय ओपिनियन। इट इज दैट गुड क्वालिटी यार। द बारबेल दैट गुलाब हैज इज द लीवे ओलंपिक बारबेल। ये है उनका 7,000 का ओलंपिक बारबेल विच वेज 20 kgs। इट इज़ दी चीपेस्ट ओलंपिक बारबेल जो आप खरीद सकते हैं एंड व्हेन आई स्पोक टू गुलाब ही सेड कि ही डजंट डू पावर लिफ्टिंग ट्रेनिंग सो ही डिडंट रिक्वायर अ बारबेल लाइक दिस वन सो ही बॉट अ बजट 20 kg बारबेल विच इज प्रिटी फेयर आई थिंक। इस पर आप आराम से स्क्वाट वगैरह भी कर पाते हैं। आई हैव द बेटर वर्जन ऑफ द लीवे बारबेल बट दिस इज द चीपर वर्जन ऑफ दैट। विद रिगार्डिंग टू द प्लेट्स यू कैन सी दीज आर द रबेक्स प्लेट्स ऑन अमेजोन एंड दीज आर वन ऑफ द अगेन चीपेस्ट ओलंपिक वेट प्लेट दैट यू कैन फाइंड ऑन अमेजोन। इनका प्राइस अराउंड 130-140 पर kg है इंक्लूडिंग GST एंड शिपिंग। डम्बल्स के मामले में ही वेंट विद नॉर्मल फिक्स डम्बल्स नॉट एडजस्टेबल डम्बल्स विच इज अ गुड थिंग इन माई ओपिनियन। ही वेंट विद नॉर्मल स्टील एंड बाउंसर डम्बल्स। फ्लोरिंग के मामले में ही वेंट विद एवाफोम मैट्स। I do not really recommend EvaFoam mats for squatting or deadlifting because they are not hard. तो आपको स्टेबिलिटी ठीक से नहीं मिलता बट इफ इट वर्क्स फॉर हिम व्हाई नॉट। एंड रिगार्डिंग द डम्बल लॉर्ड्स ही गॉट ओलंपिक साइज डम्बल लॉर्ड्स एंड मतलब बेसिकली इन डम्बल लॉर्ड्स पे आप ऐसे
ओलंपिक वेट प्लेट्स को भी लगा सकते हैं. सो दैट इज़ अ गुड मूव आई थिंक. यू नो इफ ही इज गोइंग हैवियर इन वेट, दीज डम्बल लोड्स आर गोइंग टू बी बेटर इंस्टेड ऑफ बाइंग मोर सेट्स ऑफ एडजस्टेबल डम्बल्स. यू नो दैट इज हिज होल होम जिम एंड आई एम रियली रियली इम्प्रेस बाय दिस वन. यू नो बिकॉज दिस इज अ वेरी बजट होम जिम. द रैक, द बारबल, द बेंच इज द बेस्ट बेंच दैट यू कैन बाय, बट एक्सेप्ट फॉर द बेंच एवरीथिंग एल्स इज इन अ बजट एंड इट्स अ वेरी वेरी गुड होम जिम एंड वर्क्स प्रीटी वेल फॉर हिम एंड फॉर एनी वन लुकिंग फॉर अ बजट होम जिम एंड एनी वन गोइंग फॉर अ बजट होम जिम दीज आर द एग्जैक्ट इक्विपमेंट्स I would be recommending you. So our next home gym build is from a guy called Shrey Kasera. And the first time when I looked at this home gym, I was like, wow, bhai, that's a very, very pretty room, I would say. इनका रूम, इनका जो chandelier है वो that is very, very good. You know, I'm very, very impressed by the aesthetic of the look. And even the home gym build, you know, similar to Gulab, he also has the Siege Gladiator rack along with the Siege adjustable bench. Along with that, मैं देख रहा हूँ कि he has built a custom deadlift platform. ये plywood लगा के इसके ऊपर थोड़ा सा rubber flooring दिया है, which is very good, much better than Eva foam mats, I would say. However, platform के सामने ही आप देख पा रहे Eva foam mats, which I'm pretty sure he does not use for deadlifting or squatting. Rack and the bench, we see a lot more other equipments in his home gym too. Number one is this upright bike. I think this upright bike is from Cocatoo because design बहुत ही same लग रहा है मेरे को Cocatoo upright bike से. But this is a very very good value for money pieces of equipment अगर आपको cardio करना है. Towards the left we see a dumbbell stack जिसमें ज़्यादा dumbbells नहीं है. I think they max go up to like 20 kgs. I am saying कि ज़्यादा लोग are going for normal hex या फिर bouncer dumbbells instead of adjustable dumbbells, which I think is a smart move. ठीक है, अगर आपके पास एक ऐसा पूरा रूम है टू बिल्ड अ होम जिम, बाइंग हेक्स एंड बाउंसर डंबल्स आर मच बेटर देन एडजस्टेबल डंबल्स. रीजंस बहुत सारे हैं, आई विल. एंड उसके लेफ्ट में वी सी अ बेसिक होम जिम सेट जो आपको बेसिकली अमेजोन पे मिलता है. इसमें आपको पेग डेक, लैट पुल डाउन और क्या है, लेग कर्ल, लेग एक्सटेंशन है शायद, पिचर कर्ल मिलता है. और इसके लेफ्ट में आपको एक बॉक्सिंग बैग हैंग करा हुआ दिखता है, विच आई थिंक इज अ बॉक्सिंग बैग फ्रॉम कोर फिटनेस. This boxing bag from Core Fitness I think is one of the cheapest one available on Amazon. Orion से भी अभी Core Fitness is more cheaper. Orion अभी around 2000 रुपये है, Core Fitness is around 1400-1500 रुपये. So you know for recreational boxing this is pretty good and you need not get a more expensive boxing bag. Overall I really really like this setup here. यहाँ पे एक stepper भी है as you can see, सामने mirrors भी है. So this is a very very good home gym setup. This setup is much bigger than my room. मेरे रूम से almost double बड़ा होगा this setup. I really really love this setup and especially the aesthetic यार. It flows really really good with this setup and I'm highly highly impressed with this. Those were the three best home gym setups in India. अगर आप चाहते हैं अभी मैं आपका भी home gym setup ऐसे review करो, then make sure to DM me on Instagram and आपके videos या फिर pictures मेरे को Instagram पे send कर सकते हैं. ऐसे ही मैं आपका home gym ऐसे ही एक videos में review करने वाला हूँ. I'm thinking कि ऐसे home gym वाला video मैं महीने में एक बार करूँ जहाँ पे I'll be reviewing the home gym setup of my subscribers. So let me know how this idea appeals to you guys. अगर आप लोगों को पसंद आया, make sure to like, then I'll be sure to create more stuff like this. Anyway, now go check out my other home gym videos right over here.